बेमौसम बारिश से बेहाल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज का दिन आफत लेकर आ सकता है। मौसम विभाग ने आज और बारिश का अनुमान जताया है। बारिश का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने का अनुमान है। भारी बारिश से अब तक राज्य में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 17 लोग कश्मीर से हैं और 2 जम्मू से। अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बड़गाम में भूस्खलन से लापता 9 लोग अब तक नहीं मिले हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार 4th दिन बंद है। उधमपुर में रामबन और बनिहाल में भूस्खलन की वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा है। कश्मीर घाटी में 322 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। झेलम नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज की 20 टुकड़ियां लगाई गई हैं। एक टुकड़ी में 75 से 100 जवान होते हैं। एहतियात के तौर पर हेलीकॉप्टर को स्टैंडबाय पर रखा गया है। जम्मू, उधमपुर और श्रीनगर में 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा गया है, जबकि श्रीनगर और जम्मू में वायुसेना का चीता हेलीकॉप्टर किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। प्रशासन को आश्वासन दिया है कि हम ये तकलीफ के टाइम में उनका साथ होंगे। और जैसे आपको पता है कि हमारे जो पानी के लेवल बढ़ने के कारण हमें फॉर्मली प्रशासन ने रिक्विजिशन किया है इन एड टू सिविल अथॉरिटीज़ के लिए। हमारे 20 कॉलम आर्मी के रेडी है, जो सही टाइम पर तैनात किया जाएगा। पुंछ में सेना और पुलिस के साझा ऑपरेशन में 24 लोगों की जान बचाई गई। ये लोग सैलाब में फंस गए थे। झूला बनाकर रस्सियों के सहारे इन्हें सैलाब वाले इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम में भूस्खलन से 4 मकान धराशायी हो गए। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की खबर है। मरने वालों में 4 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। मलबे में बाकी लोगों को ढूंढने का काम जारी है। लगातार बारिश से कश्मीर में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बाढ़ राहत के लिए तत्काल 35 करोड़ की सहायता राशि जारी करने का ऐलान किया है। इनमें 25 करोड़ कश्मीर के लिए हैं, जबकि 10 करोड़ जम्मू के लिए। मुफ्ती ने कहा है कि गृह मंत्रालय से NDRF की टीमें भेजी गई हैं, जो राहत और बचाव ऑपरेशन में सहयोग करेंगी। पटना समेत बिहार के कई शहरों में कल बेमौसम बरसात हुई। पटना में कल दोपहर करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और जमकर बारिश हुई। बारिश से लोगों को बढ़ते तापमान से राहत तो मिली, लेकिन रबी की फसल, लीची और आम को खासा नुकसान पहुंचा है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी संचित ब्रह्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का झगड़ा अंदरूनी मसला है और आपको ये झगड़ा खुद ही सुलझाना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ कानूनी मसलों पर हस्तक्षेप कर सकता है। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र जैसे मसले पर पार्टी को अपने संविधान के मुताबिक काम करना होगा। गौरतलब है कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग जाने की धमकी दी थी। उनका तो बायलो होगा, जैसे हर पार्टी के लिए देयर इज अ बायलॉस। आपको सपोज हम दोनों के अंदर झगड़ा हो गया, दो पार्टी के बीच में, एक ही पार्टी में दो आदमी के साथ झगड़ा हो गया, हाउ टू रिजॉल्व। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जमीन अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बहस की चुनौती दी है। गडकरी ने सोनिया गांधी को लिखी 7 पन्नों की बेहद तल्ख चिट्ठी में UPA सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून की खामियों को गिनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। चिट्ठी में गडकरी ने लिखा है कि UPA के बनाए भूमि अधिग्रहण कानून से विकास के लिए कोई अधिग्रहण नहीं हो सका, जिससे विकास की कई परियोजनाएं लटक गईं। गडकरी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अब तक वोट के लिए प्रोग्राम बनाए, विकास के लिए नहीं। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली करेगी। रैली को सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भी शरीक होने की खबर है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। 20 अप्रैल को लाखों किसान आने की संभावना है। सभी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल रहेंगे। जी भाई, सीनियर लीडर्स में वो शामिल नहीं है क्या? महाराष्ट्र के भिवंडी में राहुल गांधी को 8 मई को स्थानीय कोर्ट में हाजिर होना होगा।
राहुल गांधी के खिलाफ मामला 2014 आम चुनावों का है, जब भिवंडी में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। उनके इस भाषण के बाद संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंते ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट दिए जाने की अपील की थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सदस्यता अभियान को कांग्रेस ने फर्जी करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक उसके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जबरन बीजेपी का प्राथमिक सदस्य बनाया गया था, जबकि उन्होंने पार्टी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क ही नहीं किया। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। मेरे पास एक दिन मैसेज आया कि आपको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है, आपका क्रमांक ये है और आप इसकी औपचारिकताएं पूर्ण करिए। मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए। मैंने कोई मिस्ड कॉल नहीं किया, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज क्यों भेजा है? आंध्र प्रदेश में नेता विपक्ष जगनमोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश परियोजना का टेंडर जारी करने में बिना वजह जल्दबाजी कर रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की सैलरी में बम्पर इजाफा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा में सोमवार को एक विधेयक पास कर सैलरी में 100% तक का इजाफा कर दिया गया है। अब राज्य के मुख्यमंत्री की बेसिक सैलरी 30,000 रूपए से बढ़कर 50,000 हो गई है। मंत्रियों का वेतन भी 25,000 रूपए से बढ़ाकर 40,000 रूपए महीना कर दिया गया है। हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को कल बड़ी राहत मिली। सलमान खान के परिवार के ड्राइवर अशोक सिंह ने सोमवार को सत्र अदालत को बताया कि 2002 में हादसे के वक्त सलमान खान नहीं बल्कि वो खुद गाड़ी चला रहा था। अशोक सिंह ने कोर्ट को बताया कि उस रोज ड्राइविंग सीट पर सलमान नहीं बल्कि वो था। इस मामले में अब तक सलमान खान मुख्य आरोपी हैं और उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या का मामला चल रहा है। 42 साल के अशोक सिंह बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर हाजिर हुए और सलमान के बयान से पूरी तरह मिलता जुलता बयान दिया। इसी बात के लिए वो गवाह पेश किया गया कि आरोपी सलमान खान को बचाने के लिए इस जो आज जो गवाह था उन्होंने न्यायालय के सामने कहा कि जिस वक्त वाकया हो गया उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था और उनका जो ये कहना है उसको चैलेंज करने के लिए हमने उनकी आज क्रॉस एग्जामिनेशन की। अपने कथित साले संजय सिंह के प्रमोशन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह घिर गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री के साले संजय सिंह ने मध्य प्रदेश में अपनी नौकरी की शुरुआत क्लास 3 कर्मचारी के रूप में की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद उन्हें नियम विरुद्ध पर्यटन विभाग में 3 साल में ही GM बना दिया गया। कांग्रेस के आरोपों के बाद टूरिज्म मिनिस्टर ने मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। उसमें उस पद के विरुद्ध इसकी नियुक्ति की गई और इसमें सीधा रमन सिंह का हस्तक्षेप है, जिसमें उसके हस्ताक्षर है रमन सिंह जी का, जबकि ऐसे किसी पद में किसी को भेजा नहीं जा सकता और रमन सिंह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भेजा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहतरीन काम करने वाली महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। इस मौके पर उन्होंने पुलिस वालों के लिए कई तोहफों का ऐलान किया। CM ने छुट्टी के दिन काम करने पर महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को ज्यादा भत्ता देने का ऐलान किया। अब सिपाहियों को 68 रुपए की जगह 490 रुपए और अफसर को 105 रुपए की जगह 902 रुपए भत्ता मिलेगा। इस ऐलान से महाराष्ट्र के 2,06,000 पुलिसकर्मियों को फायदा होगा। 11 साल बाद महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों का भत्ता बढ़ा है। गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहे यमन में फंसे 4,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से टेलीफोन पर बातचीत की। सऊदी के शाह ने मोदी से बातचीत की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें लोगों को यमन से निकालने की भारत की योजना के बारे में बताया। सऊदी के शाह ने मोदी को आश्वासन दिया है कि वो यमन में भारतीयों की सुरक्षा का पूरा ध्यान देंगे और उन्हें जल्द सुरक्षित निकालने में हर संभव मदद करेंगे। यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं। इसके लिए 2 यात्री पोत कोची से जिबूती बंदरगाह रवाना किए गए। इन पोत में कुल 1200 यात्री सवार हो सकते हैं। इसके अलावा जिबूती में
दो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है ताकि समंदर के रास्ते यहां पहुंचने वाले भारतीयों को फौरन स्वदेश लाया जा सके। इसके अलावा मस्कट में भी एयर इंडिया के दो विमान खड़े हैं। अमेरिका में सोमवार को नेशनल सिक्योरिटीज एजेंसी के मैरीलैंड हेडक्वार्टर के पास हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक कार सवार दो लोगों ने फोर्ट मिडे स्थित सैन्य परिसर में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया जिसके बाद हुई गोलीबारी में कम से कम एक शख्स की जान चली गई। दो अमेरिकी अधिकारियों ने प्राथमिक रिपोर्ट में जानकारी दी। FBI ने इसे आतंकी गतिविधि बताने से इनकार किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक और ब्लॉगर वशिकुर रहमान की चाकू मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस मामले में दो छात्रों को हिरासत में लिया गया है। करीब एक महीने पहले बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी लेखक अभिजीत रॉय का ढाका में UPPCS प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में UPSTF ने उत्तर प्रदेश प्रांतीय लोक सेवा आयोग को क्लीन चिट दे दी है। तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद STF ने कहा कि सिर्फ स्थानीय स्तर का मामला था और इसमें सिर्फ एक सेंटर शामिल था। STF के मुताबिक किसी सरकारी अफसर या UPPCS के किसी कर्मचारी का इसमें कोई हाथ नहीं। UPPCS प्री परीक्षा पेपर आउट होने के मामले में STF की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आदर्श भारतीय विद्यालय के मालिक बलदेव मेहता का बेटा विशाल मेहता और कॉलेज के दो शिक्षक जय सिंह वर्मा और ज्ञानेंद्र कुमार शामिल हैं। लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के आजाद नगर इलाके में स्थित आदर्श भारतीय विद्यालय से ही रविवार को PCS प्री का पेपर आउट किया गया था। मेरठ के कालका डेंटल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने परिजनों को बुलाकर आरोपी 7 छात्रों के खिलाफ परतापुर थाने में केस दर्ज कराया है। फिलहाल पीड़ित छात्र को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है। कर रहे हैं हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है हॉस्टल कमेटी है वो हमें एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सबमिट करेगी तभी हमें कुछ डिटेल पता चलेगा। हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने टिल फर्दर नोटिस उन बच्चों को जिनका नाम इसमें अलेज है उनको हमने सस्पेंड कर दिया। कानपुर के हर्षनगर इलाके में कल देर रात एक्सेसरीज के गोदाम में भीषण आग से लाखों का माल स्वाहा हो गया। 3 मंजिला दुकान में आग शॉर्ट सर्किट से लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने में घंटों का वक्त लग गया। महाराष्ट्र के सांगली जिले के मेरठ गांव में फिल्मी स्टाइल में एक राशन दुकानदार को लूटने वाले 9 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। लुटेरे मेरठ के विद्यानगर कॉलोनी में 27 मार्च की रात फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर अभिजीत पाटिल के घर पहुंचे थे। घर की तलाशी के नाम पर लुटेरों ने घर में पड़े 25 तोला सोने के जेवर और 4 लाख रुपए कैश ले लिए थे। शक होने पर दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने 48 घंटे के भीतर लुटेरों को धर दबोचा। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने सूरत में रद्दी में छिपाकर लाई जा रही करीब 24.5 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की है। DRI ने इस मामले में भुज से आरोपी मेहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। DRI के सूत्रों के मुताबिक विभाग की टीम ने शुक्रवार और शनिवार को दुबई से आयात किए गए कंटेनरों की शक के आधार पर जांच की थी। आयातकों ने इनमें पेपर वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट होने की जानकारी कस्टम विभाग को दी थी लेकिन जांच में 4 कंटेनरों में लगभग 2600 कार्टून में 24.5 करोड़ की इम्पोर्टेड सिगरेट मिली थी। केरल होटल और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बीजू रमेश ने अपने आरोपों के समर्थन में राज्य के वित्त मंत्री KM मणि के खिलाफ स्थानीय अदालत में सबूत पेश किया है। रमेश ने बाद में दावा किया कि उन्होंने 3 अन्य मंत्रियों के खिलाफ भी सबूत पेश किए हैं। गौरतलब है कि रमेश ने मणि पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सरकार द्वारा बंद किए गए बारों को फिर से शुरू कराने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस पर मणि ने बीजू रमेश पर मानहानि का केस किया था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के पनगानुरु में स्थानीय निकाय द्वारा अपने घर के बाहर कूड़ा डाले जाने से परेशान एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया जमा न करने की वजह से स्थानीय निकाय के कर्मचारी 45 साल के आउदी नारायण के घर के बाहर कूड़ा फेंकने लगे थे। यहां तक कि 4 लाख का बकाया वसूलने के लिए म्युनिसिपल स्टाफ ने संपत्ति की नीलामी का भी सार्वजनिक ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के चंद्रडीही गांव में कथित तौर पर मोबाइल की बैटरी फटने से 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 7 साल का विपिन मोबाइल बैटरी से खेल रहा था। विपिन ने खेल खेल में बैटरी दांत से काटने की कोशिश की और इस दौरान ब्लास्ट हो गया। पुलिस इस मामले की जांच। इंडिया से बाहर चल रहे हरपन मौला युवराज सिंह ने विराट कोहली और उनकी गर्लफ्रेंड फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का बचाव किया है।
युवराज ने ट्वीट कर फैंस से अपील की है कि वह विराट और अनुष्का की निजी जिंदगी का सम्मान करें। युवराज ने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में 5 सैकड़े जमाने वाले विराट फैंस के कहीं ज्यादा सम्मान और समर्थन के हकदार हैं। गौरतलब है कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद सोशल मीडिया में विराट और अनुष्का का जमकर मजाक उड़ रहा था।